नमस्कार, एक बार फिर आपके बीच डॉक्टर जितेंद्र कुमार, फार्मासिस्ट ट्रेनिंग मास्टर। साथियों, आज हम आपके बीच बात करेंगे डर्मीजेन एनएफ स्किन क्रीम। साथियों, डर्मीजेन एनएफ स्किन क्रीम एक कॉम्बिनेशन क्रीम है, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जानेंगे डिस्क्रिप्शन के बारे में, साथ ही साथ इसके इंपॉर्टेंट यूजेस एंड बेनिफिट की बात करेंगे, साइड इफेक्ट की बात करेंगे एंड बेस्ट कंपोजिशन की बात करेंगे एंड हाउ टू वर्क मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करेंगे। साथियों, साथ ही साथ सेफ्टी इन्फॉर्मेशन एंड डोजेज एंड डायरेक्शन फॉर यूज एंड एमआरपी की बात करेंगे। साथियों, डर्मीजेन एनएफ क्रीम इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन दैट इज यूज टू ट्रीट वेरियस स्किन इन्फेक्शन। साथियों, किसी तरह का स्किन में विकार है उसमें इस्तेमाल करने वाली दवा है। साथ ही साथ इट मिनिमाइज द सिम्टम ऑफ इन्फ्लामेशन सच एज रेडनेस, स्वेलिंग, इचिंग। कहने का मतलब कहीं पर सूजन है, इचिंग है, खुजली है, रेडनेस आ जाती है, उसमें भी उपयोग किया जाता है। एंड इट आल्सो हैज द एंटी माइक्रोबियल एक्शन। कहने का मतलब है कि अगेंस्ट इन्फेक्शन काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मिक्स इन्फेक्शन है या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इसका ऐसा कंपोजिशन है कि सभी में जो है उपयोग की जाती है दवा और बहुत अच्छा इसका रिस्पॉन्स है। साथियों, कंपोजिशन की बात करेंगे तो इसमें ओफ्लक्सासिन एंटीबायोटिक मिला है 0.25% वेट बाय वॉल्यूम, साथ ही साथ ओरिनिया जोल 2% मिला है एंड क्लोबिटासोल प्रोप्यूनेट 0.05% मिला है। साथियों, इट्राकोनाजोल 1% वेट बाय वॉल्यूम मिला हुआ है। साथियों, ये कंपोजिशन है। यूजेस की अगर बात करेंगे तो साथियों, स्किन में इन्फेक्शन में उपयोग में करने वाली ये क्रीम है। साथियों, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है उसमें इस्तेमाल किया जाता है, महिला पुरुष के जननांग में जो इन्फेक्शन हो जाता है उसमें भी इसका उपयोग किया जा सकता है। कहने का मतलब फीमेल जेनाइटल आर्गन में इन्फेक्शन है, स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन है किसी तरह का, उसमें इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ फंगल इन्फेक्शन है एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। टो एंड नेल, कहने का मतलब है हाथ और पैर के नाखून में जो इन्फेक्शन हो जाता है उसमें उपयोग किया जाता है। एक्जिमा हो जाता है, डर्मेटाइटिस हो जाती है या सोराइसिस हो जाती है, दाद, खाज, खुजली, उसमें भी उपयोग किया जाता है। एलर्जिक स्किन इन्फेक्शन उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। साथियों, बहुत अच्छी जो है कॉम्बिनेशन क्रीम है। साथियों, बहुत अच्छा इसका रिस्पांस है, स्किन में किसी तरह का विकार है उसमें उपयोग किया जाता है। साथियों, साइड इफेक्ट की बात करेंगे तो इसके इस्तेमाल से जो है वैसे तो ज़्यादातर किसी को साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन किसी किसी की स्किन पर सूट नहीं करता है और क्षणिक साइड इफेक्ट है, जैसे एप्लीकेशन साइट रिएक्शन, क्या होता है कि इन्फ्लामेशन, रेडनेस, स्वेलिंग, इरिटेशन होने लगता है। अगर ऐसा कुछ होता है तो तुरंत इसका उपयोग बंद कर दें और अपने डर्मेटोलॉजिस्ट या स्किन स्पेशलिस्ट से मिलें। साथियों, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करेंगे तो जैसा कि अभी डिस्क्रिप्शन में बताया कि ये एक कॉम्बिनेशन क्रीम है जिसके अंदर ओफ्लक्सासिन, ओरिग्नाजोल, क्लोबिटासोल, इट्रिकोनाजोल मिला है। साथियों, जो ओफ्लक्सासिन एक एंटीबायोटिक है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट और किल करता है, उससे जो इन्फेक्शन होता है वो ख़त्म हो जाता है। और ओरिग्नाजोल है, ये भी एक एंटीबायोटिक है, तो ये क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनम से जो इन्फेक्शन होता है उसमें उपयोग में लाई जाने वाली दवा है, ये इसके अंदर मिली है। इट्रिकोनाजोल एंटीफंगल है, फंगल का किसी तरह का इन्फेक्शन है उसकी जो है ग्रोथ को रोक देता है, स्टॉप कर देता है, इनहिबिट कर देता है ग्रोथ से, और इससे फंगल इन्फेक्शन ख़त्म हो जाता है। साथियों, क्लोबिटासोल जो इसके अंदर मिला है वो जो है एक तरह का स्टेरॉइड है विच ब्लॉक दी सर्टन केमिकल मैसेंजर्स। कहने का मतलब यह है कि जो स्किन में रेडनेस होती है, इचिंग होती है, स्वेलिंग होती है, इन्फ्लामेशन होता है, तो जो है उसको तुरंत बंद कर देता है। साथियों, तो बहुत अच्छा है ये क्रीम है साथियों, और बहुत ही चीप एंड बेस्ट है। एल्कम लेबोरेटरीज का ये प्रोडक्ट है, 80 रुपये की 15 ग्राम क्रीम है साथियों। साथियों, सेफ्टी इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे तो अवॉइड कॉन्टेक्ट विद आई। जब भी स्किन विकार हो, अगर कहीं पे भी लगाते हैं तो आँख में नहीं लगना चाहिए, नाक के अंदर नहीं जाना चाहिए। कहने का मतलब है इस एक्सटर्नल यूज ओनली है एंड कीप द ट्यूब टाइट आफ्टर क्लोज। जब भी इस्तेमाल करें उसकी जो है उसका जो है कंटेनर की वो जो है उसको टाइट क्लोज कर दें। डायरेक्शन फॉर यूज एंड डोजेस की बात करेंगे तो साथियों, जहाँ भी शरीर में विकार है, स्किन का इन्फेक्शन है, वहाँ पे इसको पहले फ्रेश वाटर से स्किन को वॉश कर लेंगे, टावल से सुखाने के बाद एक सफिशेंट क्वांटिटी में इसका उपयोग किया जाएगा। साथियों, सभी केमिस्ट की दुकान पे आसानी से ये क्रीम मिल जाता है। तो साथियों, इसी के साथ विराम देंगे। किसी तरह की क्वेरी है आप हमें जरूर कमेंट करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथियों, नमस्कार।